दुष्यंत के एमएलए को महिला ने सरेआम जड़ा कंटाप, 5 साल दिखे नहीं अब क्या करने आए हो। जेजेपी के निकम्मे विधायकों से परेशान हरियाणवी, हरियाणा में बाढ़ ने मचाया हड़कंप, अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत। लोग सरकार से मांग रहे मदद, पर सरकारें मिशन 2024 में जुटी। लोगों में बढ़ रहा सरकार के खिलाफ आक्रोश, बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे एक विधायक तो महिला ने जड़ दिया तमाचा। जेजेपी विधायक को मिल गया उसके 5 साल के किए का फल, भरी महफिल में लगा जोर का तमाचा, वीडियो हो रहा वायरल। बाढ़ आने के बाद जमीन पर उतरे थे विधायक जी, गुस्साई महिला ने जड़ दिया तमाचा। विधायक बनने के 5 साल बाद एक बार भी न रखा गांव में कदम, बाढ़ आने पर जायजा लेने पहुंची तो गांव के लोगों ने सिखा दिया सबक। आखिर पूरा मामला क्या था आपको बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हरियाणा में बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे जेपी विधायक को महिला ने जड़ा थप्पड़। हरियाणा में बारिश ने जमकर कहर मचाया, उत्तर हरियाणा और जीटी बेल्ट के जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे पर सरकार मिशन 2024 पर मंथन करने में व्यस्त है, इस वजह से लोगों में भारी आक्रोश है। इसी आक्रोश की भेंट जेजेपी एमएलए चढ़ गए, कैथल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने गए जेजेपी विधायक को एक महिला ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, एमएलए के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने बमुश्किल विधायक को उस क्षेत्र से निकाला। महिला द्वारा विधायक पर थप्पड़ जड़ने का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर विधायक को थप्पड़ जड़ने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला नेता को जोरदार थप्पड़ मारते दिख रही हैं। थप्पड़ खाने वाले नेता का नाम ईश्वर सिंह है। ईश्वर सिंह जेजेपी पार्टी के विधायक हैं जो बुधवार को जमीन पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंच गए थे। अब इससे पहले वे लोगों की परेशानी समझ पाते एक महिला ने विधायक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस महिला की नाराजगी का कारण ये था, विधायक पहले लोगों की सुन लेने नहीं आए लेकिन अब शक्ल दिखाने चले आए। वायरल वीडियो में महिला कहती सुनाई भी दे रही है अब क्यों आए हो। थप्पड़ मारने वाली महिला पर हुआ FIR। ईश्वर सिंह ने बताया, महिला ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया या एकदम उत्पीड़न की तरह था, हमने इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, इस तरह की हरकत उचित नहीं है। ईश्वर सिंह के मुताबिक वह गुलाचका विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित भाटिया गांव में पहुंचे थे, यहां घग्गर का जल स्तर बढ़ने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई है। विधायक ने कहा, पानी गांवों और खेतों में घुस आया है, इसमें विधायक का क्या दोष है। हरियाणा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां, हरियाणा के कैथल में के चीका क्षेत्र में घग्गर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 40 गांवों में बाढ़ का पानी खतरा मंडरा रहा है और कई गांवों की आबादी में भी पानी भराया है। बुधवार शाम को पंजाब बॉर्डर के साथ लगते भाटिया गांव में घग्गर का बांध तक गया और पानी के खेतों में भर गया। गुला के जजपा विधायक ईश्वर सिंह हालात का जायजा लेने गांव भाटिया पहुंचे तो ग्रामीणों ने विरोध कर दिया।